केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार दुर्गा दास उइके ने जिले का दौरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके के जिले में आगमन पर सर्किट हाउस में सांसद विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसपी मनीष खत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा उन्हें पुष्पहार और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके ने पीएम जनमन फेज 2.0 के तहत आगामी माह में आयोजित होने वाले मेगा इवेंट की तैयारियों का प्रारंभिक शुभारंभ किया। यह मेगा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने श्री बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के नवनिर्मित भवन की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। संग्रहालय निर्माण पर त्रुटि रहित और उत्कृष्टता के निर्देश। समीक्षा के दौरान मंत्री श्री उइके ने सभी कार्यों को त्रुटि रहित और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संग्रहालय का निर्माण उत्कृष्ट होना चाहिए और किसी प्रकार की त्रुटि को तुरंत ठीक किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संग्रहालय के निर्माण और विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और जो भी आवश्यक वित्तीय सहायता होगी वह केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों के इस परियोजना को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि यह संग्रहालय राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। संग्रहालय में छिंदवाड़ा के आदिवासी इतिहास को समाहित करने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने छिंदवाड़ा के आदिवासी समाज के इतिहास और विरासत को संग्रहालय में प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को जान सकेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवान राम और शबरी के ऐतिहासिक और पवित्र प्रसंग को संग्रहालय के हिस्से के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया। इससे संग्रहालय को और अधिक समृद्ध और जानकारी पूर्ण बनाया जा सके। इस अवसर पर छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, विधायक कमलेश शाह, कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य शेष राव यादव, अपर कलेक्टर केसी बोपचे, एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर जैन, भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश अंगरिया, भारतीय रिजर्व बैंक के जनरल अधिकारी श्रीराम नागर, जिला अग्रणी प्रबंधक अजय कुमार, संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य जौलपुर जीपी सरवटे, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सत्येंद्र सिंह मरकाम, अनुसंधान अधिकारी एलआर मीणा, कार्यपालन यंत्री पीआईयू नीलेश गुप्ता, वन्यासे निजराज सिंह, टीकाराम चंद्रवंशी, विजय झांझरी समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, आज़ादी के बाद में पहली बार ये सौभाग्य मिला जनजाति समाज को। ये आज़ादी के 75 वर्षों का ये अमृत महोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमारे जनजाति समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, महापुरुष हैं, उत्कृष्ट काम करने वाली जो महान आत्माएं हैं, उनको इतिहास में उचित स्थान दिलाने के निमित्त पूरे देश भर में प्रयास चल रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आपको पता है कि पद्मश्री और इस तरह से जो विविध प्रकार के जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, वो भी योग्यतम और सुपात्र व्यक्तियों को देने का पावन पवित्र क्रम पूरे देश में चल रहा है। तो आज जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय छिंदवाड़ा में आज उसका अवलोकन हम सब भाई बहनों ने किया और उसको सर्वश्रेष्ठ धरोहर के रूप में विकसित करने की संकल्पना देश के प्रधानमंत्री जी की है। और आज सारे हमारे जनजाति समाज के बच्चे, छात्र छात्राएं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद श्री विवेक बंटी साहू जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक अमरवाड़ा श्री कमलेश शाह जी, हमारे पूर्ण समाज के राजा भी हैं आप, और कलेक्टर साहब से भी मिलजुल कर आज इस निमित्त यहाँ पे आना हुआ कार्यक्रम, हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय श्री यादव जी सभी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।